money back! उम्मीद में क्यों घास रही है? पता नहीं, सारा दिन बदपरहेजी करती है, फिर सारी रात ऐसे खांसती है। मैं देख के आती हूँ, जारून भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। ना प्लीज देखो। जितनी भी खाली टहनी थी ये सारी काट दो, सारी हटा दो यहाँ से। और वो देखो, वो सूखे पत्तों का ढेर पड़ा हुआ है वहां पे, उठाओ सब साफ करो। आए दिन तुम छुट्टी कर लेते हो। दानियाल की छुट्टी है आज क्या? तो ऑफिस चले गए कब से? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। आपको कैसे पता चलता अम्मी? तो सारी रात आप खांसती रही है, फजर के बाद जाके तो आप सोई है। खांसी का सिरप तो एमन कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रही खांसी। अरे दानियाल आएगा ना घर, उसे कहूंगी डॉक्टर के पास ले जाए। उसकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, आपको थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। माएं क्या नहीं करती अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपको तो एहसास ही नहीं है बस में। लेकिन बेटा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो हर चीज का परहेज कर रही हूँ, मगर ये खांसी जा ही नहीं रही है। सारी रात वो बेचारा आपकी खांसी की वजह से सो नहीं पाया। एटलीस्ट आप कमरे का दरवाजा तो बंद कर ही सकती है ना सोने से पहले। ये तो हो सकता है या नहीं? ठीक है, ख्याल करूंगी मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। आज जल्दी आ गए? जी वो दफ्तर में एक मीटिंग कैंसिल हो गई तो फिर सोचा घर ही चला जाता। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाए? कोफ्ते तुम्हारी पसंद के, तुम्हें पसंद है ना? वाह, जब ही तो मैं कहूँ इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। लेकिन क्या जरूरत है मम्मी इतनी मेहनत करने की, तो बहुत वक्त और मेहनत लगी होगी, थक गई होंगी। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। और जब तुम खाओगे शौक से पेट भर के, तो जो इतनी सी थकन है ना वो भी खत्म हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये खांसी अभी तक सही नहीं हुई। अब अम्मी मुझे एमन बता रही थी कि ना तो आप टाइम से दवाई खाती हैं, ना आप आराम कर रही हैं, ना अपना ख्याल रखती हैं। अब खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, हर चीज एमन तो नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। जारून साहब कहे भाई? वो उसकी ट्यूटर अभी अभी गई है तो वो हाथ धोने गया खाने के लिए। आपको पता है आज फिर अम्मी ने जो है ना इतना लंबा लेक्चर दिया उसकी टीचर को। शुक्र है मैं बीच में आ गई तो बात खत्म हो गई, वरना वो तो कह रही थी कि मैं कल से नहीं आऊंगी। मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। अभी अब यही तो बात है, आप इतना कुछ कह के भूल जाती हैं, फिर उसका खमियाजा मुझे अदा करना पड़ता है। आप उसको कह रही थी कि आपके ज़माने में जो उस्तादों का मेयार था, आजकल के उस्ताद वैसे हैं नहीं, कि वो दोस्त से आता है उस्ताद से। ये कोई बात है कहने वाली? नहीं, क्या जरूरत है आपको
सारून की टीचर के बारे में कोई राय रखने की? खुदा खुदा करके तो उसकी एक टीचर मिली, अब आपकी बातों से वो चली गई तो फिर क्या हो? अपनी जारून के मामले में मत बोलो, उसको डील करने दो। जारून बैठे खाना खा। नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ फिर आके खा लूंगी। किसने कहा था कि आप पूरा दिन किचन जो है ना ऐसे एंगेज रखें? आपको पता है आपको थकावट भी हो जाती है। अब ये सब कुछ रेडीमेड भी तो मिलता है ना, फ्रॉम स्क्रैच बनाने की तो जरूरत नहीं है। अब फ्री हो गया है किचन तो मैं जारून के लिए कुछ बना लेती हूँ। दादो बाद में खाना खाएंगी, आप खाना खा लें पहले। चलो। कोफ्ता निकाल दो। अच्छा आज आलू भी डाले अम्मी ने। अम्मी मैं आपकी दवाइयां ले आया था। अच्छा बेटा, क्या बना रही है? जारून के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। क्यों थका रही है खुद को? बाजार में एक से बढ़कर एक स्वेटर मिल जाता है रेडीमेड। हाँ मुझे मालूम है, बाजार में अच्छे से अच्छा स्वेटर मिल जाता है, लेकिन दादी के हाथ का प्यार से बना हुआ स्वेटर तो नहीं मिलता ना। पहले तुम्हारे लिए बुना करती थी स्वेटर, अब अपने जारून के लिए। अब अल्लाह करे उसकी माँ को पसंद आ जाए, वरना पहनने नहीं देगी। क्यों नहीं पसंद आएगा? जब मैं आपका हाथ का बना हुआ स्वेटर पहनता था तो अब जारून भी पहनेगा। क्यों नहीं पहनेगा? जरूर पसंद आएगा। दवाइयां यहाँ से खा लीजिएगा। अच्छा बेटे, शब खैर। दानियाल आप प्लीज अम्मी को एक बार समझा दें कि मासियों के ऊपर फजूल में गुस्सा मत किया करें। वो तो गुस्सा कर देती है, वो फिर मुझे गुस्से में बड़बड़ाती है कि अच्छा अगर काम नहीं अच्छा लग रहा तो हम चले जाते हैं। मैंने ठंडा किया है उसे लिटरली। ऐसा क्या कह दिया अम्मी ने यार? अम्मी, अम्मी प्लीज यहाँ पर आए। हाँ बेटा। आपने क्या कहा मुलाजमा को? क्या कहा मैंने? कुछ भी तो नहीं कहा। हाँ बस इतना जरूर कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालो, यही करते आए हैं हम सारी जिंदगी। हाँ तो आप करती आई है ना ये, इन मासियों को 10 और घरों में जाना होता है, ये इतनी डिसिप्लिन नहीं होती है। लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है, बड़े सलीके की बात है। तो और वो नौकरानी है हमारी, पैसे ले रही है, कोई मुफ्त में काम तो नहीं कर रही, तनख्वाह लेती है, ये कौन सी बुरा मनाने वाली बात है? बेटा मैंने तो सिर्फ इसलिए उसको टोका था कि वो कांच कचरे में डाल रही थी। अब जरा सोचो, जब कचरे वाला उसको अलग अलग करेगा तो कांच उसके हाथ में लग भी सकता है ना, वो जख्मी भी हो सकता है, हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए, आखिर को वो इंसान है। अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करती। 2 दिन पहले जो आपने पूरा दिन किचन में घुस के कुकिंग की थी उसकी सफाई आज मुकम्मल हुई है, क्योंकि पूरा किचन जो है ना वो चिकना हुआ था। आप मेरे ऊपर छोड़ दें प्लीज, घर के मामला आप मत पड़ा करें। एमन, तुम बिना वजह एक छोटी सी बात को इश्यू बना रही हो, जॉब कमरे में जाओ। मैं जा रही हूँ कमरे में, आप फारिग होंगे तो आप भी आ जाइएगा। चलो बेटा जाओ, तुम भी आराम कर लो। शब खैर। दानिया तुम्हारे बाल इतने रूखे हो रहे हैं और खुश्की भी हो रही है, चलो मालिश कर दूं। अरे रहने देना आप। अरे आओ ना बैठो यहाँ। मैं भी सोच रहा था काफी दिन से कि 2 घड़ी आपके पास सुकून से बैठूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। मैं अपना ख्याल रखा करो, ऐसा भी क्या काम हुआ कि अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है ना। बाल तुम्हारे इतने अच्छे थे, इतने घने थे, और अब देखो बिल्कुल आधे रह गए हैं जैसे। अब इतने प्यार से मेरी मालिश कौन करेगा? मैं करूंगी, मैं हूं ना। जैसे बेटा इंसान को पानी की जरूरत होती है ना, इसी तरह से बालों को तेल की जरूरत होती है। देखना थोड़े दिनों में तुम्हारे बाल फिर से वैसे
भारी घने हो जाते हैं। अब रोज आना जबरदस्ती मालिश होगी तुम्हारी। थैंक यू। आधे घंटे की बात हो लेना। ठंड पड़ गई। अरे अमित क्या हुआ है? क्या होके देख के भी संभाल लो। प्लीज उठे आराम से, आराम से, आराम से। तुम पानी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। जोर से लगी है। अभी पानी पिया। मैं कल ही डॉक्टर के पास आपको लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाएंगे आप? इतना मसरूफ होता है। मैं खुद ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो फिर याद से ले जाना, और जो डॉक्टर कहेगा आपको वही करना है, ठीक है? इतनी तबीयत खराब कर ली आपने, पानी पिए। ज्यादा जोर से लगी? हाँ नहीं बेटा, ठीक है। ज्यादा बचपन में आप यूं करती थी। पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और मेरे खदशात के मुताबिक इनको फेफड़ों का कैंसर है। अब बस दवा दीजिए इनको, परहेज करवाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। रिपोर्ट्स आ गई? हाँ सब नॉर्मल है। हाँ हाँ सब नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस परहेज करें और दवाइयाँ खाएं अपनी, एंड शी विल बी फाइन, शी विल रिकवर। चलो थैंक गॉड। अम्मी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है यार। मुझे बता रहे हैं आप? आप तो पूरा दिन घर से बाहर होते हैं, झेलती तो मैं हूं ना उन्हें। तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे? तानिया मैं अब जॉब करना चाहती हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं घर में बैठ बैठ के स्पॉइल हो रही हूँ। तो बड़ा अच्छा फैसला, घरों मना किसने किया? तो मैं जॉब कर लूँ, अम्मी को कौन संभालेगा? मतलब आज ही मुझे पता लगा है वो किसी नेबर्स में किसी से लड़ रही थी। जारून को अलग डांटती है, बेचारा सहमा हुआ रहता है उनके आसपास। क्या करूं, उनकी एज भी तो हो गई है। क्या मतलब, ये कैसा बहाना है कि उनकी एज हो गई है? उनकी एज हो गई है तो हम अपनी जिंदगी रोक दें? हम कहीं बाहर खाना खाने नहीं जाते, अच्छा वक्त गुजारने नहीं जा रहे, किसी शादी पे नहीं जाते, किसी इवेंट पे नहीं जाते। जारून को घर छोड़ना पड़ता है ताकि वो अकेली ना पड़े। हमारा क्या क्या कह सकता हूँ मैं, तो मेड रख लो उनके लिए। मेड को वो दो बार लड़के निकाल चुकी है खुद ही, मुझसे पूछे बगैर। ऊपर से वो रिलायबल होगी या नहीं होगी, आजकल न्यूज भी इतनी अजीब व गरीब आ रही है मेड्स के बारे में। बहुत बड़ा खर्चा है दानियाल। हमने आज तक, अभी तक हमने दूसरा बच्चा नहीं प्लान किया कि हम अपने फाइनेंसेस जो हैं जारून के ऊपर फोकस रखेंगे। अगर मेड रख ली 24/7 तो उसका अलग खर्चा होगा ना। तो इमन क्या करूं, क्या हल है फिर इस प्रॉब्लम का? मुझे लगता है कि आप कुछ अरसे के लिए अम्मी को ओल्ड होम में छोड़ दें। बहुत अच्छी रीजनेबल फी होती है उनकी, आप बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं। क्या कह रही हो तुम? ये अभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया को ये नहीं पता कि हम क्या फेस कर रहे हैं दानियाल। और मैं ये नहीं कह रही कि आप परमानेंटली उनको वहाँ छोड़ दें। जो ख्याल उनका वहाँ पे वो लोग रख सकते हैं बीमारी में, वो हम नहीं रख सकते। 24 घंटे वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं इमरजेंसी की सूरत में, फिर उनके अपनी एज के लोग होंगे, उनका दिल बहल जाएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। मुझे था कि ये घर अब बहुत बड़ा है हमारे लिए, खर्चे बढ़ गए हैं दानियाल, तो हम छोटे अपार्टमेंट में चले जाते हैं, उसमें भी सेटल डाउन करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस के लिए हम उन्हें वहाँ पे रख देते हैं, बट जब वो ठीक हो जाएंगी हम उन्हें वापस घर ले आएंगे। उन्हीं की सेहतयाबी के लिए कह रही हूँ मैं। और हम उनसे रोज मिलने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे, नहीं, हम उन्हें वापस घर लेकर आएंगे। लेकिन जब तक वो ठीक हो जाएंगी ना, एक बार सोच तो सकते हैं ना दानियाल।
आओ बेटा आओ। कैसी तबीयत अम्मी? बेहतर हूँ, बस देखो ना सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हूँ अपने कमरे में अकेली, बीमार महसूस करने लग जाती हूँ। कोई भी हो, अगर सारा दिन उसने अपने कमरे में बैठे रहना है, कोई काम काज भी नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं हो, तो बीमार तो होगा ना। फिर हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ, कुछ दो घड़ी उनके पास चला जाए इंसान, कोई वक्त अच्छा गुजर जाए। बस इस अकेलेपन की वजह से लगता है कि मैं बीमार हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। वो बड़ा अच्छा ट्रस्ट है, अम्मी ने बहुत अच्छा इदारा है, वहाँ पे आपके एज ग्रुप के बहुत सारे लोग होते हैं। कैसे समझाऊँ आपको, जैसे ओल्ड होम्स नहीं होते, सुना कि बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जगह है, वहाँ पे उनकी अपनी कैंटीन है, बड़ा सा गार्डन है, डॉक्टर्स होते हैं 24 आवर्स, वहाँ खाने पीने का, दवाइयों का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है, और फिर सबसे बड़ी बात आपकी एज ग्रुप के और लोग होंगे, दिल लगा रहेगा, बातचीत होती रहेगी। लेके चलूँ आपको वहाँ पे? अगर वाकई ऐसा कोई इदारा है तो बस ठीक है, तुम मुझे वहां ले जाओ। अरे कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो सिर्फ इसी कह रहा हूँ कि अगर आपको ठीक लगे तो फिर मैं वहां बात करता हूँ। नहीं बेटा, इसमें कोई एतराज की क्या बात है, तुम मेरा ख्याल कर रहे हो, इतने पैसे खर्च करोगे तो मैं क्यों मना करूंगी तुम्हें। बस ऐसा करते हैं कि कल ही चलते हैं। ग्रेट, बस ठीक है, फिर आप आराम करें। मेरा हल क्या है इसका? तान्या, मुझे लगता है कि तुम्हें अम्मी को ओल्ड होम भेज देना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ये अम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? थैंक यू। आज हम आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी दवाइयाँ, खाना पीना सब कुछ टाइम पे होगा, मैंने आपका कमरा भी देख लिया, बहुत कंफर्टेबल है। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं एक मिनट में आ जाऊँगा, आपको मसला ही नहीं है। नहीं बेटा, मुझे भला क्या तकलीफ होगी, तुम इत्मीनान से जाओ। मैंने घर का एड्रेस और फोन नंबर रिसेप्शन पर लिखवा दिया है, किसी भी किस्म का कोई काम हो, कोई बात हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कल फिर आऊँगा। ठीक है, ठीक है, चलो खुदा हाफिज़।
क्या हुआ? घर खाली खाली सा हो गया। जम्मी को पानी भेजना चाहिए था। धान्याल आप भी ना बच्चे बन जाते हैं, ये आम सी बात है और अक्सर लोग ऐसे करते हैं। और हमने कुछ बुरा तो नहीं किया ना, उनकी भलाई के लिए किया। प्लीज अब ना सोचें ऐसे। तुमने उनकी सारी रिपोर्ट सबमिट करा दी थी? हाँ, और मैं सब कुछ आज जो है डिटेल में उनको एक्सप्लेन करके आई हूँ, उनकी मेडिसिंस के बारे में भी, और अम्मी से मिलके आई हूँ। माशाल्लाह ठीक ठाक लग रही थी वो मुझे। मुझे भी जाना चाहिए मैम, कल ऑफिस से वापसी पे जाऊंगा। धान्याल कल तो मैंने अम्मी के साथ डिनर कंफर्म कर लिया हम सबका, कल तो नहीं जा सकते, किसी और दिन चले जाएंगे। लेकिन परेशान ना हो। हो जाएगी आदत, शुरू में ऐसे ही होता है। दिल लगाना पड़ता है, और बेहतर है दिल लगा लो, आसानी रहेगी। मेरे भी 3 बेटे हैं, लेकिन देखो मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं, थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर उसने मुझे छोड़ा, आएगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। मेरे बेटे भी ये कहकर छोड़ गए हैं, अब तो सिर्फ ईद पर ही मिलना होता है। तुम्हारा यहाँ दिल लग गया? नहीं, शुरू में बिल्कुल नहीं लगता था, मैं बहुत रोती थी, लेकिन अब मैंने दिल को मजबूत कर लिया है। अपनों से दूर क्या दिल मजबूत हो जाता? नहीं, पहले से ज्यादा टूट जाते हैं। क्या कह रही थी दादो? कह रही थी ना अब आपके पापा मुझसे मिलने आएंगे, तो तुम भी मुझसे मिलने आना। अभी तो मैं मिलकर आया उनसे, आपका जरूर पूछते हैं। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। जब दादो यहाँ पे थी तो आपको इतनी कंप्लेन थी उनसे, आपकी टीचर को भी प्रॉब्लम थी, और अब आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे तो दादो से कोई कंप्लेन नहीं थी, वो तो मुझे तुमके दोगैर भी तो दे रही थी, और मेरी टीटल को भी दादू ने कुछ नहीं कहा। स्वेटर तो मुकम्मल हो गया था, अगर वो तो घर ही रह गया। चलो ये भी मुकम्मल हो ही जाएगा। मैं सोच रहा था कि रमजान आ रहे, अम्मी को ले आऊं।
देखें अभी उनकी रूटीन खराब करने वाली बात है, फिर रोजों में उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा ना, तो उनका फिलहाल वही रहने दें, हम चले जाएंगे अफतारी करने और चांद रात पे ना उन्हें ले आएंगे घर, ठीक है? हेलो जी अब्बू, अम्मी से बात करवाए ना मेरी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? हाँ आप तो ठीक हूँ, बस पहले जरा बुखार हो गया था। अच्छा दवाई ली? हाँ हाँ बिल्कुल दवाई ली, डॉक्टर ने चेक भी किया था, ठीक हो जाऊंगी, बस ये खांसी जो है ना बेटा ये नहीं जा रही है। अम्मी वो लोग दवा तो टाइम पे देते ना आपको? हाँ बेटा दवा बिल्कुल टाइम पर देते हैं, डॉक्टर बकायदा चेक भी करता है। मैं ये सोच रही थी कि एक रोजा तुम मेरे साथ खोलो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए इफ्तारी बनाऊंगी। अम्मी आप क्यों तकलीफ करेंगी, मैं खुद इफ्तारी लेकर आऊंगा और फ्राइडे का रोजा आपके साथ खोलूंगा, जुम्मे को आ जाऊंगा मैं। नहीं नहीं तुम क्या इफ्तारी लाओगे और एमन क्या बनाएगी, मैं खुद बनाऊंगी ना अपने हाथों से। यहाँ पर मेरी अब बहुत सारी सहेलियां भी हैं और किचन का स्टाफ भी है, वो भी मेरी मदद कर देगा, बस तुम आ जाना, इंतजार करूंगी मैं। अच्छा ठीक है अम्मी मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो है ना ये पिनोकियो है, ये जब झूठ बोलता है ना तो इसकी नाक ऐसे लंबी हो जाती है, आप भी जब झूठ बोलेंगे ना तो आपकी नाक ऐसे ऐसे यहां तक लंबी हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर दानियाल मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ ओल्ड होम से। आपकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, वो मस्जिद है कि जब तक आप नहीं आएंगे ना वो कोई दवा नहीं लेंगे। ठीक है मैं फौरन आऊंगा। क्या हुआ? मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं दानियाल हूँ, मुझे फोन आया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जी जी मैं शाइस्ता हूँ, मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया है, मगर आपने आने में देर कर दी मिस्टर दानियाल। अभी कुछ देर पहले ही हाजरा बेगम की डेथ हो चुकी है। आई एम सॉरी मिस्टर दानियाल, आप चाहें तो इनका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। मिस्टर दानियाल आपकी मदर को फेफड़ों का कैंसर था, आपकी वाइफ ने उनकी रिपोर्ट्स दर्ज करवा दी थी, तब से ये उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनके कैंसर का लास्ट स्टेज था, ये बात आपकी वालदा ने आपको बताने के लिए मना की थी। थका रही है खुद को, बाजार में एक से बढ़कर एक स्वेटर मिल जाता है रेडीमेड,
मुझे मालूम है बाजार में अच्छे से अच्छा स्वेटर मिल जाता है, लेकिन दादी के हाथ का प्यार से बना हुआ स्वेटर तो नहीं मिलता ना। तो उठाएं दानियाल प्लीज। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, आपके पापा से बात ही नहीं हो पा रही है। दादू से मिलने गए थे, किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। दादू तो ठीक है ना? मर जाए मेरी तरह से। क्या? कुछ नहीं बेटा। दानियाल, मैं पूरे दिन से परेशान हूँ, आपको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे आप मुझे। क्या हुआ है दानियाल? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, एक बार मुझे बता तो सकते थे ना। मैं सोने जा रही हूं, ठीक है? जारून, जारून, जारून को क्यों बुला रहे हैं आप? जारून तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? जाके पापा की गाड़ी में बैठो। कहां लेके जा रहे हैं इसको इस टाइम पे? क्या अम्मी ने ऐसा क्या कह दिया है आपको? दानियाल, मैं कुछ पूछ रही हूं। दानियाल, आप मुझे प्लीज बताएंगे कि क्या हुआ है? दानियाल, दानियाल, मैं कुछ पूछ। छोड़ो मेरा हाथ। झूठ बोला तुमने मुझसे। हिम्मत, तुम जानती थी ना, तुम्हें पता था अम्मी को कैंसर, उसके बावजूद तुमने मुझसे कहा उनकी तबीयत ठीक है। तुमने मुझे कन्विंस किया कि मैं उन्हें इस हालत में ओल्ड होम में डाल दूं। क्या बिगाड़ा था मेरी मां ने तुम्हारा? मेरी मां उस ओल्ड होम में
मेरा नाम लेके सिसक सिसक के इस दुनिया से चली गई है तुम्हारी वजह से। चली गई थाना, मैं ये नहीं चाहती। और शट अप, फिर मुझसे मेरी मां को छीन लिया। एमन क्या मिल गया तुम्हें, क्या हासिल कर लिया तुमने? माफ कर दे, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। तुम एक बहुत बुरी औरत हो, तुमने क्या कुछ नहीं दिया। तुमने मेरी माँ से उसके आखिरी दिनों में उसकी औलाद को अलग किया था। आज मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जारून को छीन के ले जाऊं। नहीं नहीं, तो मेरी बाप भी आखिरी दिनों में बेटे के लिए तरसी रही ना, अब सारी उम्र तुम तरसोगी। नहीं नहीं नहीं, और अगर तुम मेरे पीछे आई हो तो मैं जारून को बता दूंगा कि तुम कितनी सख्त, कितनी जालिम औरत। नहीं, पड़ी है ना घर में तुम अकेली, जिस तरह तुमने आखिरी दिनों में मेरी माँ को उस ओल्ड होम में डाल दिया था मरने के लिए। ना बच्चा, जरूर जरूर।